This will be a story video. Exactly 5 years ago, I decided to come to Russia to study medicine. तो आज से 5 साल पहले जब मैं इंडिया से रशिया आ रहा था तो उस टाइम मैं ऐसा दिखता था। तो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी हाउ वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन रशिया, हाउ वॉज माई फर्स्ट डे इन रशिया। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वॉज माई फर्स्ट डे इन रशिया। This is amazing. तो अगर पहले दिन की रशिया में पहले दिन की बात करूँ तो स्टार्ट करते हैं इंडिया से, जब मैंने फ़्लाइट ली और उसके बाद मैं यहाँ आया, तो उस चीज़ से स्टार्ट करते हैं। 5 साल पहले की बात है, जब मेरी फ़्लाइट थी तो मैं अपने घर से निकला अपने चाचा के साथ, बड़े भाई के साथ और एक ड्राइवर। हम तीन लोग, चार लोग हम आए थे दिल्ली एयरपोर्ट पे। और मैं एक छोटे से गांव से ही, पहले ही बता दूं, और जहां इंटरनेट ज़्यादा कुछ सुविधा होती नहीं, 2G इंटरनेट चलता था, महीने में लगभग कभी 500 MB कभी 400 MB रिचार्ज में इंटरनेट मिलता था, वही यूज़ करते थे। तो यूट्यूब तो चलता नहीं था, तो मैंने गूगल पे रशिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। मैं इमेजिन नहीं कर रहा था भी यहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी होती है जितनी एक्चुअली में होती है, तो मैं इंडिया के हिसाब से ही चला हुआ था। और इंडिया में इतने ज़्यादा अच्छे क्लॉथ भी मिलते जो रशियन की ठंड को सहन कर पाएँ, तो मेरे पास जो भी स्वेटर वगैरह थी मैं वही लेके आया हुआ था। और मैंने पहले डिसाइड किया था मैं जितने भी कपड़े खरीदूँगा वहीं से खरीदूँगा, इंडिया से मैं बहुत कम लेके आया था। मैं दिल्ली गया, दिल्ली से मैंने अपना पासपोर्ट लिया, वीज़ा वगैरह सब कुछ पूरे डॉक्यूमेंट लिए और मैं चल दिया। हमारा 11 लोगों का ग्रुप था यहाँ आने के लिए, 11 स्टूडेंट थे हम साथ में, और लड़के भी थे लड़कियाँ भी थी। और फिर फर्स्ट एक्सपीरियंस एयरपोर्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मुझे कुछ नहीं पता था एयरपोर्ट कैसे काम करता है, कहाँ क्या होता है। ड्राइवर था वो एक्सपीरियंस था उसको कुछ, उसने मेरे को जितने इंस्ट्रक्शन दी थी वो मैं फॉलो करता गया। एजेंट ने एक्चुअली मैं बताऊँ तो कुछ ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दी नहीं, कुछ उसने ज़्यादा इतना बताया नहीं, वो अपने में कुछ बिजी था। और उससे हमें इतनी उम्मीदें भी थी, एजेंट ऐसा ही था वो, इस बारे में बात नहीं करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हम चले एयरपोर्ट पे, सब कुछ सीखा मैंने अपने आप किया, देख देख के साइन पढ़ पढ़ के सब कुछ करता गया। और फाइनली प्लेन तक पहुंच गए, बैठ गए, 6 घंटे की फ़्लाइट के बाद मॉस्को पहुंचे। मॉस्को सुबह 9 बजे पहुंचे थे, उसके बाद इमिग्रेशन हो गया, लगभग 1 घंटे के बाद हमको अपने बैग मिल गए। और फिर वहाँ हम बैठे, वहाँ हमको सीनियर कुछ स्टूडेंट मिले जो दूसरी यूनिवर्सिटी से थे, हमारी यूनिवर्सिटी से नहीं थे, मॉस्को के पास किसी यूनिवर्सिटी से, एजेंट ने उनको भेजा था। तो हमें पहले ही बता दिया गया था अगर हमें 10 घंटे एयरपोर्ट पे बैठना है तो हम बैठ सकते हैं, अगर नहीं बैठना है तो हम 1000-1000 रूबल की कलेक्शन करके सब लोग उनको दे सकते हैं और वो हमें पूरी सिटी घुमा देंगे। तो हमने 10 घंटे एयरपोर्ट पे बैठने की बजाय उनको 1000-1000 रूबल देना बेटर समझा और उनको वो पैसे दे के हम मॉस्को घूमे। उन्होंने हमें मेट्रो दिखाया, क्रेमलिन, और एक कुछ मॉल में वो लेके गए, खाना वहाँ पर खिलाया उन्होंने। मैं उस टाइम वेजिटेरियन था तो मैं वेजिटेरियन खाना खाया। तो यहाँ तो उसके बाद मॉस्को में बहुत ठंड थी, उस दिन ठंड आई चुकी थी, सितंबर के एंड तक ठंड आ चुकी होती है। फिर उस ठंड में मैं ठिठुरने लग गया था क्योंकि मैं सिर्फ एक टी शर्ट और ऊपर से एक ब्लेज़र पहना हुआ था और मेरे पास और कुछ कपड़ा है नहीं था। बैग हम अपने बोर्ड कर चुके थे ओरनबर्ग के लिए जो अगली फ़्लाइट थी, और सिर्फ हैंड बैग था हमारे पास, उसमें कुछ ऐसा कपड़ा नहीं था जो मैं निकाल के पहन सकूँ। तो फॉर्चुनेटली मेरे एक दोस्त के पास बेड की चादर थी, तो बेड की चादर उसने मेरे को दी और मैं बेड की चादर अपने चारों तरफ घुमा के क्रेमलिन पूरा घूमा। वहाँ इस लेवल की ठंड मुझे लगने लगी थी, मैं फ़ोटो भी नहीं कुछ खिंचवा पाया ना मैं घूम पाया। तो उस टाइम मैं बहुत मिस किया भी ये क्या हो गया।
मिस्टेक थी मेरी, मेरे को पता नहीं था इतनी ठंड होगी, और सर्दी के कपड़े गर्म कपड़े कुछ पहन के आना किसी ने बताया भी था। तो ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, मॉस्को आओ तो एक बार वेदर के बारे में चेक कर लेना उस दिन का वेदर क्या है और क्या क्या, आप गर्म कपड़े एक बार ज़रूर ले ही लेना। और उसके बाद फिर रात को हमारी आगे की औरंगबाग की फ़्लाइट थी, 2 घंटे की फ़्लाइट, हम औरंगबाग पहुँच गए, सुबह 5 बजे औरंगबाग पहुँचे। यूनिवर्सिटी का डीन और उसके साथ जो एजेंट जिसने हमारे एडमिशन करवाए थे वो वहाँ पे बैठा था और वो हमें लेने आया था। उसके बाद हम हॉस्टल में पहुँच गए, हॉस्टल में जाते ही हम सब लोग थके हुए थे तो हम सब सो गए। उसके बाद मैं लगभग 10-12 घंटे तक सोता रहा, और एक मैंने मिस्टेक कर दी छोटी सी, वो मैं घर फ़ोन नहीं कर किया मैंने, मेरे ध्यान ही नहीं रहा अभी घर भी फ़ोन करना है, क्योंकि मैं कभी पहले घर से बाहर नहीं गया था रहने के लिए किसी भी तरह से, तो विदेश आना तो बहुत दूर की बात थी, तो मैंने घर फ़ोन नहीं किया। घर वाले मेरे बहुत टेंशन में हो गए, भी पहुँच तो चुका होगा लेकिन फ़ोन क्यों नहीं किया, फिर मैंने घर पर बात की, सब नॉर्मल था। फिर आके एक्चुअली एक दिन नहीं, मैं आपको 3 दिन की बात बताता हूँ। तीन पहले यूनिवर्सिटी पास में ही थी, हॉस्टल के 2 मिनट का पैदल रास्ता था वहाँ से जाना था, तो वहाँ हमारी डॉक्यूमेंटेशन हुई, और हॉस्टल में उस टाइम इंटरनेट नहीं था कुछ भी, तो हमें सिम लेनी थी, सिम लेने के लिए पासपोर्ट हाथ में होना चाहिए था, पासपोर्ट मिलने में 2 दिन लगते क्योंकि इमिग्रेशन के लिए हमारा पासपोर्ट गया हुआ था, तो यूनिवर्सिटी के अंदर पासपोर्ट था और डॉक्यूमेंट थे, तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन हुई, पासपोर्ट मिला, उसके बाद हमने सिम खरीदी, और उसके बाद ही वाईफाई हॉस्टल में लगवाया। वायरिंग होती है हॉस्टल में लेकिन रूटर अपना खुद का लेना पड़ता है, कनेक्शन लेना पड़ता है, तो हम बाहर जाते जहाँ फ्री वाईफाई मिलती वहीं कनेक्ट करके फेसबुक और ये सब यूज़ करते थे। तो आगे बात करूँ, उस टाइम हमें स्टार्टिंग में रशियन का रैबी नहीं आता था, और प्लेन में मेरे को हेयर होस्टेस भी ऐसी मिली थी, मेरे को पानी चाहिए था और मैं उनको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा मुझे पानी चाहिए, और उनको इंग्लिश नहीं आ रही थी, तो बहुत टाइम लग गया मुझे उन्हें समझाने में, सिर्फ मुझे पानी चाहिए इस चीज़ को समझाने में ही। लेकिन उसके बाद से जितनी मैंने फ़्लाइट ली हैं इंडिया आने के लिए या वापस आने के लिए, उसमें ये होस्टेस को सबको इंग्लिश आ रही थी, लेकिन उस टाइम फर्स्ट टाइम उनको इंग्लिश नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, ये मुझे अभी तक नहीं पता ऐसा क्यों था। और उसके बाद फिर यहाँ आए, हमें रशियन कुछ नहीं आती थी तो हम बाहर निकलते थे, कोई साइन इंग्लिश में कहीं नहीं थे उस टाइम, कोई कोई रेस्टोरेंट कोई कोई जगह पे इंग्लिश के साइन मिल जाते थे, लोग बहुत कम मिलते थे इंग्लिश बोलने वाले वहाँ पे, जो जिसको इंग्लिश आती थी वो हमें देखते थे क्योंकि हम फर्स्ट इंडियन थे इस सिटी में, और यूनिवर्सिटी में हमारा पहला बैच था, तो हमसे बात करते इंग्लिश में कोशिश करते बहुत से लोग बोलने, किसी की अच्छी होती थी किसी की बुरी होती थी कोशिश होती थी, तो ऐसे ही हम मिलने लग गए, फ़ोटो हमसे बहुत ज़्यादा लोग खिंचवाते थे और थोड़े घूमे थे। और ये जहाँ इस टाइम में खड़ा हूँ इसके बिल्कुल पास हमारा हॉस्टल है, बिल्कुल पास यूनिवर्सिटी है, तो हम पहले दिन यहीं आते थे घूमने, ये आप फ़ोटो देख सकते हैं। तो हम इसी जगह पे घूमते थे और 3-4 दिन डिफ़िकल्ट नहीं थे, इंटरेस्टिंग थे। तो क्या था, जब मैं रशिया से आ रहा था तो मेरे लिए मेन चीज़ था इंटरेस्ट और अपनी जो स्टडी है वो मेरे लिए फोकस थी ना, मैं ये नहीं सोच रहा था मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पहले से ही था मैं जहाँ भी जाऊँगा सर्वाइव तो हो ही जाता है, ऐसा कुछ मैं सोचता नहीं था सर्वाइवल के बारे में, मैं सिर्फ मेन सोचता था भी मुझे करना क्या है वो चीज़ें मैं करूँगा वहाँ जाके, ये मेरा मेन फोकस होता है। अभी कुछ रशियन लोग आ गए थे उनसे बात करने लगे था, यहाँ क्या होता है थोड़ी जो आसपास की सिटी से आए होते हैं जिन्होंने पहले फॉरेनर या इंडियन को पहली बार देखा होता है तो वो आ जाते हैं बात करने, तो इसीलिए आ गए थे मेरे पास तो मैं बात लग गया था करने। तो मैं आपको बता रहा था अपने एक्सपीरियंस के बारे में, तो यहाँ पे मेरे को 3-4 दिन तक इंटरनेट नहीं मिल पाया था, इंटरनेट तो मिल गया था फ्री वाईफाई लेकिन सिम कार्ड वगैरह परचेज करने में टाइम लग गया था, लेकिन धीरे धीरे एक्चुअली हमारे यहाँ सीनियर नहीं थे, हम सबसे पहला बैच था, तो मैं समझता हूँ इसका बेनिफिट मिला क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें एक तरह से खुद सीखने को मिले, खुद एक्सपीरियंस करके सीखने को मिली और सब कुछ हमें खुद करना था तो ये सीखने को मिला, और ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगा था, और इसीलिए मैं औरंगबाग आने का भी फैसला किया था, ये मेरा डिसीजन भी यही था, यही सोच के था भी यहाँ पे पहला इंडियन बैच होगा तो ये इंटरेस्टिंग होगा इसलिए मैं यहाँ आया था। तो ये थे मेरे पहले 2-3 दिन, आप बताइए आपको कैसे लगे, और कुछ सुझाव हो तो आप बताइए, और आगे वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस पे बताऊँगा कब मैंने क्या किया, छोटी छोटी स्टोरीज़ डाली जाएंगी। और ये था आज का दिन, और अभी मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी, थिएटर की प्रैक्टिस है, ये जो ब्रिज है यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ आपको, ये जो ब्रिज है पीछे यहाँ पे, इस ब्रिज पे मैंने अपनी पहली फ़ोटो खींची थी रशिया में, ये आप फ़ोटो देख सकते हैं, ये थी मेरी पहली फ़ोटो रशिया की।
бом на заводе был. Привет. Иногда как так вот идешь просто это по улице где-то, да, замечаешь, и тебя тут со стороны кто-то. Привет. Amit don't want to say hi. These are my friends. Now we have practice, and this is the library. So, how do you like the video? Please comment down below and like the video and share with your friends and family. And thank you for watching.